हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर से मेरे वीडियो में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। और मैं अभी ये लोकेशन में मैं जिस एरिया में वीडियो बना रहा हूँ, ये उलवे का सेक्टर 23 है, नवी मुंबई उलवे का सेक्टर 23 है। और ये थोड़ा आउटसाइड एरिया है, तो ये खाली खाली रहता है। तो अभी दो चार दिन से मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, मतलब तबीयत ख़राब था, तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आज थोड़ा अच्छा लगा तो मैं टहलने के लिए निकल गया। तो टहलने के साथ साथ मैं सोचा चलो आप लोगों को भी कुछ एरिया दिखा देता हूँ। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारे साथ। तो चलिए आगे बढ़ते, तो बताइए ज़रूर वीडियो आपको कैसा लगता है। तो मैं अभी थोड़ा सा आगे तक जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा आगे घूमने के लिए जगह अच्छा है, तो सोचा थोड़ा आगे निकलता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शॉप वगैरह है इस एरिया में। और ये वाला रोड है जो तालाब की ओर जाता है। यदि उलवे में रहते हैं तो इस जगह को पहचानते होंगे। और तो इस आ जाओ, कुछ आगे आ जाओ। तो मेरे साथ अंकुश भी है, इस मेरे साथ साथ अंकुश भी टहल रहा है। तो दिन में मैं इसलिए नहीं निकला क्योंकि धूप रहता है, तो तबीयत भी सही नहीं था, और शाम का समय थोड़ा घूमने के लिए अच्छा होता है। तो मैं बोला वैसे शाम को देखने में भी जगह अच्छा लगता है, इसलिए शाम को निकला। और टहलने को भी अच्छा हो, मतलब टहलने में भी अच्छा लगता है। तो चले चलते ज़रा वो वाले एरिया में जहाँ पे थोड़ा सा घूमने के लिए अच्छा है, एकदम खाली 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 एरिया है वहाँ पे। यदि गाड़ी वगैरह सीखते हैं, टू व्हीलर सीखते हैं, तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ जो आता है सूर्यांश, ये सूर्यांश बिल्डिंग के बैक साइड में, ये बिल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे, ये सूर्यांश बिल्डिंग के ठीक बैक साइड में आता है वो एरिया जो खाली है। यदि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या तो फिर टहलने के लिए अच्छा एरिया है, तो मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने राइट लिया, और ये जो मेरे बैक साइड जो दिख रहा है ये सेक्टर 20 के लिए जाता है, और मैं अभी खड़ा हूँ सेक्टर 21 में। और सेक्टर 20 में जो काफ़ी सारे दुकानें हैं यहाँ पे, थोड़ा तो आपको दुकान मिलेंगी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना जैसे चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को, वीडियो मेरा थोड़ा सही नहीं आ रहा है। प्लॉट नंबर 123 और सेक्टर 23 के बिल्डिंग में एक डी मार्ट का, यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं डी मार्ट से तो आपको पिकअप सेंटर। तो गाइस, ये वाला जगह है, ये सूर्यांश पार्क के पास आता है, जो यहाँ पे ग्राउंड भी है, जहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। और ये जगह मुझे अच्छा लगा टहलने के लिए, घूमने के लिए, और देखने के लिए भी अच्छा एरिया है। और यहाँ पे यदि आप आना चाहें घूमने के लिए, ये ठीक सूर्यांश पार्क के पास है, बहुत अच्छा जगह है, खाली खाली एरिया है।
अंकुश कैसा लगा मंचूरियन? अच्छा लगा। तो दोस्तों अंकुश को मंचूरियन खाने का मन किया था, तो ये मंचूरियन का शौक भी यहाँ पे मैं भी अक्सर आता हूँ और खाता हूँ। और उसके बगल में ठीक आइसक्रीम का शॉप है, और यहाँ पे मुंबई में वड़ा पाव फेमस है और समोसा वगैरह भी बिकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इफेक्ट बिल्कुल यूज नहीं किया है, फिर भी ये थोड़ा सा लाइट की वजह से एकदम थोड़ा सा अलग सा आ रहा है, काला काला आ रहा है। और मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ सेक्टर 20 में, मेडी सिटी है जहाँ 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। और यहाँ पे मोबाइल शॉप वगैरह हैं, बर्तन के शॉप हैं। तो सेक्टर 20 में भी आपको बहुत सारे सुविधाएं मिलेंगी। और यदि यहाँ पे उलवे नोड में रहते हैं तो, और कई बार क्या होता है कि मैं भी बहुत सारी चीज़ों को नेट में सर्च करता हूँ, उसके बाद फिर उसमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर उस पर मिल जाता है तो मुझे अच्छा रहता है। तो मैं चाहूँगा कि यदि इस वीडियो से आपको कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, तो बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो से क्या मिला। सो गाइस, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो अभी तक के लिए बाय बाय।